उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं, भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा।